गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट इज़ आर इंग्लिश क्लास। तो हमारा सेवन्थ चैप्टर चल रहा था, विनीज डे विद हर डॉल्स। तो पेज नंबर 72 पे बैक एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स बुक पे हमने कर लिए थे। टुडे वी विल डू बी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। विनी रैबिट गॉट आउट ऑफ बेड, देन शी ड्रेस्ड हर डॉल्स। इट वॉज अ फाइन सनी डे। She found a bench in the park. She brought them home. Next is C. Give the meaning of following words. तो इनके meanings लिखने हैं। First one is combed. Combed क्या होता है? बालों को कंघी करना। To pass a comb through hair. Next is pram. A baby carriage beside at the side of डॉल्स, अ टॉय लाइक अ पर्सन, ब्लैक बोर्ड, अ बोर्ड यूज टू राइट विद चॉक। नेक्स्ट मैचिंग है, बिन्नी सी के साथ मैच होगा, रैबिट, ब्लैक बोर्ड, सनी डे, डॉल्स, हाउस, क्लीन फ्रॉक। नेक्स्ट ये वाले स्पेलिंग्स कंप्लीट करने हैं आपने। क्वेश्चन ई के कंप्लीट द फॉलोइंग बर्ड्स। द फर्स्ट वन इज रैबिट, देन ब्रश्ड, वॉश्ड, फ्रॉक, ब्लैक बोर्ड, सनी, ड्रेस्ड, प्रैम, बेंच। टेंथ इज स्टोरी, पार्क, एप्पल। सो नेक्स्ट पेज आपको ग्रामर का वर्क दिया गया है। राइट अ सूटेबल एडजेक्टिव फॉर द फॉलोइंग नाउन्स। एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जैसे हमने स्पोकन क्लास में किए थे, जो नाउन के बारे में और बताता है। तो ये रैबिट है, रैबिट किसी चीज़ का नेम है, मींस एनिमल का नेम है। इसके बारे में और कौन सा वर्ड बता रहा है? लिटल रैबिट, मीन छोटा रैबिट। देन दीज आर नाउन, तो इनके बारे में ये वाले वर्ड्स और बताएंगे, ये वाले एडजेक्टिव्स हैं। लिटल रैबिट, वाइट टीथ, प्रिटी फेस, पिंक फ्रॉक, लॉन्ग हेयर, टू डॉल्स, बिग हाउस, स्वीट एप्पल, टॉय प्रैम, सनी डे। नेक्स्ट इज पिक आउट 10 वर्ब्स फ्रॉम द लेसन। तो वर्ब्स आपको पता है, एक्शन वर्ड्स हमने पहले किए हुए हैं। एक्शन वर्ड्स होते हैं, वही वर्ब्स होती हैं। ब्रश्ड, ब्रश करना, ये काम हो रहा ना, ब्रश करना। वॉश्ड, धोना, ये भी काम है। कॉम्ड, प्ले, ड्रेस्ड, टुक, सिट, टीच, वॉक, रीड। नेक्स्ट इज फिल द ब्लैंक्स विद द विद ए और एन। तो ये भी हमने किया हुआ है। ए कहाँ यूज़ होता है? कंसोनेंट के आगे, और एन वॉवल्स के आगे। वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर 5 वॉवल्स। इनके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। बिनी गॉट आउट ऑफ अ कोजी बेड, द डॉल्स सैट ऑन अ बेंच, बिनी हैड अ न्यू प्रैम, they sat on an old bench in the park, she gave them an ice cream treat। next please write the opposite of following words, night, day, in, out। तो ये अपोजिट वर्ड्स हैं, मींस इनका उल्टा। डे का उल्टा नाइट, इनका आउट। डर्टी, डर्टी होता है गंदा, क्लीन होता है साफ। केम, केम क्या होता है? आना, वेंट होता है जाना। इनके उल्टे लिखने हैं, केम, वेंट, स्टैंड, सिट, बैक, फ्रंट, बिग, लिटल, लॉस्ट, फाउंड, गेव, टुक, बिगिन, एंडेड। नेक्स्ट मेक सेंटेंसेस, आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ये वाले वर्ड्स दिए गए हैं,
The boys play in the park. My mother will teach me today. I go for a walk every morning. I like to read. Tim took his dog for a walk. Next hai, fill in the blanks in the boards, in the box to complete the passage. ये वाले box में birds दिए गए हैं, इनकी help से हमने ये वाला paragraph complete करना है. All the little bunnies, bunnies क्या होते हैं? Rabbits, छोटे वाले है ना, bunnies were looking for the carrots. They were hungry and wanted to eat. The rabbits hutch, जो उनका पिंजरा सा बना होता है, उनका उनको रहने के लिए तारें लगी होती है बीच में, जाली सी, वो होता है हच. द रैबिट्स हच वॉज एम्प्टी. वेयर आर ऑल द कैरेट्स. दे सेड टू ईच अदर, इफ दे डिड नॉट ईट वेल दे वुड नॉट बी एबल टू रन. द बनी होप प्रेस. Suddenly, they spotted Betsy Bunny. She had eaten all the carrots. As she wanted to win the race. तो ये वाली back exercise इस chapter की आपने complete करनी है. हम इसको live class में भी discuss करेंगे. Thank you. Have a nice day.